Hello everyone, welcome to my channel Edify Tuitions. Hello, so आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 3 टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में. सो हमारी यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस, सेमेस्टर 2 पेपर 3 यूनिट 1 हम डिस्कस करेंगे. सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. सो मीनिंग लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और मीनिंग क्या होता है हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसके नेचर्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ चीज़ें कवर करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं. तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग वो चीज़ें होती है जो हम किसी भी चीज़ को समझते हैं, उसकी एक बाउंड्रीज होती है. क्लासरूम पे हम इसको कहीं भी समझ सकते हैं. जैसे हमारे एंशिएंट के टाइम पे या मेडिवल पीरियड में बुद्धिस्ट के टाइम पे हमारा एक अलग ही वे था लर्निंग का. लोग कहीं भी बैठ के खुले आसमान में, पेड़ पहाड़ों के बीच में आपस में बातचीत करके हर तरीके से वो एक दूसरे से ज्ञान लेते थे, पढ़ते थे, समझते थे, लर्निंग करते थे. ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो निरंतर चलता ही रहता है. जब बच्चा जन्म लेता है या मदर के वर्म में होता है उस समय से लेकर के कंटिन्यूस लाइफ तक हमारा कुछ ना कुछ लर्निंग होता ही रहता है. तो मैंने आपको एक प्रॉपर नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं. सो मैं एक नॉर्मली मैं इसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ जाऊँगी. सो एक जो इंडिविजुअल होता है, एक जो पर्सन होता है, उसकी जो लर्निंग है वो बर्थ के बाद ही तुरंत शुरू हो जाती है. और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो हर तरीके के ज्ञान अपने अंदर अर्जित करते हैं. उनका बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है नए नए चीज़ों को लर्न करने से. उनकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है, उनकी कस्टम, उनका ट्रेडिशन, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं. उनका जो एक अपना गोल होता है, हर एक पर्सन का अपना एक पर्पसफुल गोल होता है. बिकॉज बिना गोल का एक जीवन बिल्कुल भी व्यर्थ होता है. तो हर इंडिविजुअल के लाइफ में अपना एक गोल होना चाहिए और उस गोल को पाने की इच्छा होनी चाहिए. तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, गोल डिटरमाइंड होते गोल के लिए. उनका जो कॉन्सेप्ट होता है, डिसीजन मेकिंग जो होती है उनकी, बिल्कुल सही क्या गलत है, उनकी समझने की परख, वो सब कुछ आपको लर्निंग से इन्हांस होती है. हमारे माता, हमारे पिता, हर कोई हमें अलग एस्पेक्ट्स में एक लर्निंग को प्रोवाइड करते हैं. हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ को देखने का जो नज़रिया होता है, उनके बारे में सोच होती है, वो हमेशा बदलते भी रहती है अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ अ पर्सन. सो कुछ फिलोसोफर के हिसाब से डेफिनेशन ऑफ लर्निंग दी गई है, लाइक हेनरी स्मिथ ने डेफिनेशन दिया हुआ है. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और अ स्ट्रेथनिंग और वेकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. इसके बाद एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग एज फार एज इट डेवलप्स इन द इंडिविजुअल एंड मेक हिज बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट From what would otherwise have been. ये दिया गया है आपका उर्सवर्थ के द्वारा. फिर गार्डनर मर्फी ने बोला है द टर्म लर्निंग कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन बिहेवियर टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट्स. थ्रू लर्निंग चिल्ड्रन एक्वायर कॉम्पिटेंसीज इन यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज, हरलॉक ने बोला है. सो कुछ फिलोसफर ने आपको बहुत सारे बुक्स में अलग अलग आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगे, तो मुझे जो मिला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुए हैं, आप अपने हिसाब से भी अपने डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते. सो नेचर क्या होता है लर्निंग का, नेचर उसका, प्रकृति कैसी होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है. तो लर्निंग से हमारा बिहेवियर में चेंज होता है, मॉडिफिकेशंस ऑफ बिहेवियर होती है. हम जो भी चीज़ों को एक्वायर करते हैं, जैसे बिहेवियर को एक्वायर करते हैं सिचुएशंस में, अलग अलग होते हैं. लर्निंग जो होती है वो कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है. ये एक यूनिवर्सल होता है जो बदल नहीं सकता. लर्निंग होती ही एक्वायर्ड. लर्निंग पावरफुल एंड गोल रिलेटेड होती है, बहुत पर्पसफुल होती है. ये अपना एक उसका पर्पस होता है और एक गोल होता है. लर्निंग टू न्यू अरेंजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस. लर्निंग से हमें एक नए एक्सपीरियंसेस को फेस करने के लिए मिलता है, नई नई चीज़ सीखते हैं हम, एक्सपीरियंस करते हैं. लर्निंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड एक्टिविटी. लर्निंग जो है वो इन्वायरमेंट और एक्टिविटीज़ का भी प्रोडक्ट होता है, देन होता है. इन्वायरमेंट से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने अपनी एक्टिविटीज़ से, अपनी क्रिएटिविटी से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और सिखाते भी. लर्निंग इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर. लर्निंग जो सिचुएशंस होते हैं हमारे पास भी, किसी तरह का भी सिचुएशंस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं,
तो हम एक सिचुएशंस को पार करके दूसरे सिचुएशंस में भी जाते हैं. लाइक हमारा कुछ भी एक हमारे पास कुछ भी एक चीज़ है, लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उस प्रॉब्लम को पहले हम सोचते कैसे उसको ओवरकम करना है, उसको हम टैकल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सिचुएशन में जाते हैं जो हमारा फ्रीडम विजडम का सिचुएशन होता है. फिर हमारे लाइफ में हर एक स्टेप्स में एक नए नए सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो उससे भी हम सीखते हैं कि हमें आज के बाद ये चीज़ें नहीं करनी है या फिर हमें ये चीज़ें करनी चाहिए अपने लाइफ में. तो हम हर एक स्टेप से एक एक्टिविटी से अपने सिचुएशन से सीखते हैं, अपने ऑब्स्टिकल से सीखते हैं. अगर ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे हमारे लाइफ में, हमारी सिचुएशंस बिल्कुल टैकल फ्री होगी, तो हमारा लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. सो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव थ्रू लर्निंग. जो भी हमारा टीचिंग एंड लर्निंग है वो हमारा लर्निंग के थ्रू अचीव हो सकते हैं. प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी लर्निंग बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, कि सब के लिए लर्निंग ज़रूरी होती है. लर्निंग कोई सीमा नहीं होती, कोई एज बार नहीं होता है, कभी भी कोई भी सीख सकता. सो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सिमिलर होंगे, बस आपका लिखने का तरीका अलग होगा. तो एग्जैक्टली वही है, पर्पजफुल होते, गोल रिलेटेड होती है, गोल अचीवमेंट में हेल्प करते हैं, एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट करेगा आपका, सेंसेस डेवलपमेंट करेगा, मोरल फिजिकल डेवलपमेंट, बिहेवियर मॉडिफिकेशंस कर. नाउ द डायमेंशन ऑफ लर्निंग, लर्निंग के डायमेंशंस क्या क्या होते हैं. तो डायमेंशंस हमारे 5 यहाँ पे बताए गए हैं लर्निंग के. एटीट्यूड एंड परसेप्शन, एक्वायर्ड एंड इंटीग्रेट नॉलेज, एक्सटेंड एंड डिफाइन नॉलेज, यूज नॉलेज मीनिंगफुली, हैबिट्स ऑफ माइंड. सो एटीट्यूड और परसेप्शन क्या होता है, हमारा किसी भी चीज़ का एक नज़रिया होता है, अपने एटीट्यूड का परसेप्शन होता है, उसको याद करने का, उसको एडजस्ट करने का, उसको ग्रहण करने का, एक्वायर करने का. एक्वायर तो कर लेते हैं, एक्वायर करने के बाद उसको हम इंटीग्रेट करते हैं अपने लाइफ में कि हम उसको लाइफ लॉन्ग याद रख सके. क्योंकि बोला जाता है कोई भी चीज़ को अगर हम जानते हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है उसको एक्सटेंड करेंगे और रिफाइन करेंगे, उसको हम अपने नॉलेज को बढ़ावा देंगे, बढ़ाएंगे, उस किसी भी प्रॉपर डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम अच्छे से उसके बारे में जानेंगे और उसको परखेंगे, रिफाइन करेंगे, सो कंपेयर करेंगे कि हमारे लिए क्या ज़्यादा सही है, क्या ज़्यादा गलत है. यूज़ नॉलेज मीनिंगफुली, नॉलेज का जो एक्चुअली मीनिंग होते हैं उसको हम मीनिंगफुल बनाएंगे. लाइक किसी भी चीज़ का राइट है तो राइट का एक्चुअली मीनिंग राइट क्या होते हैं, और रॉन्ग का एक्चुअली मीनिंग रॉन्ग क्या होता है, किस तरह से क्या चीज़ें राइट हो सकती है और क्या चीज़ रॉन्ग हो सकती है, उसको अच्छे से मीनिंगफुली हमको अंडरस्टैंड करना होगा प्रॉब्लम्स को. तो ये सब चीज़ें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं. फिर बहुत सारे रीजनिंग मेथड्स, डिसीजन मेकिंग्स, इन्वेंशंस के थ्रू भी हम अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और नॉलेज को एक मीनिंगफुल डायरेक्शंस दे सकते हैं. नाउ द हैबिट्स ऑफ माइंड, हर एक लर्नर का इफेक्टिव लर्निंग डेवलपमेंट होती है, उसका अपना क्रिएटिविटी होती है, अपना बिहेवियर होती है, उनकी अपनी हैबिट्स होती हैं कि कुछ लोगों को सुबह पढ़ना पसंद होता है, कुछ लोगों को शाम में पढ़ना पसंद, कुछ लोगों को रात में पढ़ना पसंद होता है. सबकी अपनी भी हैबिट्स होती है माइंड की, उनका अपना वे ऑफ लिविंग होता है, वे ऑफ थिंकिंग होता है. सो ये सारा हमारा डायमेंशन था लर्निंग का, और ये हमारी हर चीज़ों में मदद करता है लर्निंग को इन्हांस कर. सो कुछ बेसिक कंडीशंस दिए हैं लर्निंग के बारे में, जो रेडीनेस है, मैच्योरेशन है, अटेंशन है, मोटिवेशन, फैटिग, मटेरियल, लर्निंग स्टाइल, टास्क एंड मेथड्स. इन बेसिक कंडीशन से हमारे कुछ लर्निंग के बेसिक कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग हमारा लर्निंग बहुत ही अच्छे से हो पाता है. तो उसको हम एक एक करके देखेंगे. रेडीनेस हो गया, जैसे कि कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए रेडी है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल रेडीनेस पे कि वो फिजिकली रेडी है कि नहीं, इमोशनली रेडी है कि नहीं, वो एक्सपीरियंसली रेडी है कि नहीं, नॉलेज वाइज रेडी है कि नहीं. मतलब वो बच्चा किसी भी तरीके से फिजिकली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, वो हर तरीके से वो रेडी है कि नहीं किसी चीज़ को ग्रैप करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, लर्निंग करने के लिए. एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एक 5 क्लास का बच्चा को अगर हम 10th क्लास का बुक दे देंगे पढ़ने के लिए, तो बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ने में, बिकॉज स्टेट ऑफ माइंड जो बिल्कुल रेडी नहीं है पढ़ने के लिए. नेक्स्ट है हमारा मैच्योरेशन, जो हमारे एक बायोलॉजिकल चेंजेस होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो हमारा मैच्योरेशन होता है. लाइक बच्चे मेंटली, फिजिकली, वो उस चीज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं. नेक्स्ट है मोटिवेशन, मोटिवेशन से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कंडीशंस लर्निंग के लिए, कि हर एक बच्चे को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. मोटिवेशन हम ऑलरेडी semester 1 में पढ़ चुके हैं कि इंट्रेंसिक होता है और एक्सट्रेंसिक होता है. कुछ मोटिवेशंस जो होते हैं जो अंदर से अंदरूनी होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमें बाहर से देनी पड़ते हैं, तो वो इंट्रेंसिव और एक्सटेंसिव होते हैं. नाउ टास्क एंड मेथड्स, कुछ टास्क के थ्रू और कुछ मेथड्स के थ्रू भी हम लर्निंग को एक्वायर कर सकते हैं, एक अलग अलग तरह का यूनिक टाइप
यूनिक स्टाइल में अगर हम बच्चे को पढ़ाएं, उसको प्रेरित करें, इंकरेज करें, अलग अलग मेथड्स को हम यूज़ करें, लर्निंग मेथड्स को यूज़ करें, तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे लर्निंग के लिए। नाउ द फैटिक, बच्चे क्या होते, कभी फिजिकली मेंटली वो थके हुए होते हैं, उनमें इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ने का, तो उसमें क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन लेवल डिक्रीज हो जाती है, उनका जो इंगेजमेंट होता है किसी नई चीज़ों को लेने का, वो भी उनकी इंटरेस्ट वो ख़त्म हो जाती है, तो फैटिक हो गया। एक लर्निंग में ये भी आपका वन ऑफ द बेसिक फैक्टर हैं कि बच्चे फैटिक रहते हैं, थके हुए रहते हैं, टायर्ड रहते हैं, तो उनका मन नहीं करता पढ़ने का, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको हम थोड़ा सा फ्री करके, थोड़ा सा उनको हम रेस्ट दे करके, उसके बाद उनको एक न्यू वे में हम उनको पढ़ाएं। नेक्स्ट है मटेरियल, कि किस तरह क्वालिटी और क्वांटिटी हम बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लर्निंग के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा बेसिक कंडीशंस है। नेक्स्ट इज़ योर अटेंशन एंड लर्निंग स्टाइल। हर एक पर्सन का, हर एक टीचर का, हर एक बच्चे का ना एक लर्निंग स्टाइल होता है, उनको उनके हिसाब से अगर हम पढ़ाएंगे तो वो बच्चे बहुत जल्दी किसी लर्निंग एक्टिविटीज़ को कैच करेंगे, अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, हर सब्जेक्ट्स की एक डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए, हर टेक्निक्स होना चाहिए, सो डेट बच्चे को इम्प्रूवमेंट लाए, उनका एक क्यूरियोसिटी इंक्रीज करे, एक इफ़ेक्टिव टीचिंग की ओर लेके जाए बच्चों को। अटेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं, ग्रैप करना बच्चों का अटेंशन। बच्चे क्या होता है, बहुत नटखट होते हैं, बहुत नॉटी होते हैं, उनका एक चीज़ का फोकस नहीं होता, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों का अटेंशन अपनी तरफ ग्रैप करे और उनको एक अफेक्टिव टीचिंग की ओर लेके चला जाए, सो डैट वो अपना इम्प्रूवमेंट करे और एकेडमिक सक्सेस को फॉलो। नाउ लर्निंग एज अ प्रोसेस एंड एज अ आउटकम, तो लर्निंग एज अ प्रोसेस भी है कि प्रोसेस में हम क्या क्या स्टेप्स का, एक प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं लर्निंग के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए हमारा एक अच्छा डेवलपमेंट करे, उसका नॉलेज को एक्सपैंड करे, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तो क्या क्या प्रोसेसेस को हम यूज़ कर सकते हैं, एक क्या क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि बच्चे अपने गोल को प्राप्त कर सके, उनको चीज़ों को समझ सके, उनको अंडरस्टैंड करे, उसमें इंटरेस्ट ले। और लर्निंग एज अ आउटकम, इट मीन्स डैट कि जो भी हम